Yes, ये वाला प्रोसेस। इस प्रोसेस इस के जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे अब खैर इस गिवन डेटा से आपको क्लियरली लग रहा होगा कि ये प्रोसेस तो भाई एक आइसोथर्मल प्रोसेस है हाँ ये प्रोसेस कैसा है एक आइसोथर्मल प्रोसेस लग रहा है ठीक है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि आइसोथर्मल तो प्रोसेस में वॉल्यूम में कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है ठीक है ओके लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं तो इसमें और भी देखते हैं इसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एडियाबैटिक एडियाबैटिक तो क्लियरली ये नहीं है अब बाकी देखते हैं तो देखिए इस प्रोसेस में आप सब देख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क कैसा हुआ नेगेटिव क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुई जीरो तो अगर हम यहां पे क्यू देखें गैस द हीट रिसीव्ड बाय गैस तो जो हीट रिसीव बाई गैस है क्योंकि वो इन दोनों का सम होती है तो वो नेगेटिव आएगी और इसका मतलब है कि ये जो गैस है वो हीट रिजेक्ट कर रही है ठीक है अब अगर कोई सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर को हीट देता है तो उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं इसका आंसर क्या हुआ ए हुआ ओके?